मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच जल्द ही सुलह होने जा रही है और इसी के साथ खत्म हो जाएगी कई दिनों से चली आ रही हाई वोल्टेज तनातनी। इस सुलह का पूरा पूरा क्रेडिट मोहम्मद शमी को जाता है। मोहम्मद शमी ने ना सिर्फ पत्नी के सारे आरोपों पे चुप्पी साधे रखी बल्कि उन्होंने हमेशा कहा कि उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है और वो ये कि उनका परिवार जल्द फिर से एक साथ हो जाए। शमी के पक्ष को इतना नरम देखकर आखिरकार हसीन जहां को भी नरमी से काम लेना पड़ा। जिस तरह के गंभीर आरोप हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर लगाए थे उसे देखते हुए तो यही लग रहा था कि अब इस जोड़ी को दोबारा एक साथ नहीं देखा जा सकेगा। लेकिन पूरे प्रकरण में जिस संयम के साथ मोहम्मद शमी ने काम लिया वो काबिले तारीफ है और लगता है कि शमी को सच में शिद्दत से अपने घर बचाने की चिंता है। कई सारे टीवी चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू में मोहम्मद शमी ने अपनी पत्नी हसीन जहां के आरोपों को ना तो नकारा और ना ही उस पर खासा जोर दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि बच्ची के भविष्य के लिए वो दोनों एक साथ रहें, इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर ये बात कही कि जब उनकी बीबी को सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया गया था तब भी वो दमदार तरीके से अपनी बीबी के साथ खड़े थे और आज जब बीबी ही इतने संगीन आरोप उन पर लगा रही है वो तब भी बीबी के साथ ही हैं। हसीन जहां के इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद भी मोहम्मद शमी ने हसीन जहां को क्लीन चिट दी और सफाई देते हुए कहा कि उन दोनों का प्यार सच्चा है और वो एक दूसरे को दिल से प्यार करते हैं। हसीन जहां जो कह रही हैं वो उनके दिल की आवाज़ नहीं है बल्कि किसी साजिश के तहत उनसे ये सब करवाया जा रहा है। पूरे प्रकरण को जिस तरह मोहम्मद शमी ने संभाला है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि मोहम्मद शमी केवल पिच के ही सरताज नहीं है बल्कि असल जिंदगी में भी वो एक सरताज है।